ये PSO बुराक पर हम लोग मौजूद हैं। ज़रा जगह देना, जगह देना। हाँ तेरह का करा लिया। हाँ ठीक है, जाओ वो पता करो। 56.88 लीटर डीजल डाला है, 13,000 रुपये का डीजल है। सामान हमारा पैक है, गाड़ी रेडी है। PSO बुराक सोराबगोड़ पर हम लोग मौजूद हैं। ये पंप है और उसके बाद बस अब यहाँ से हम आगे की तरफ निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है 2 जनवरी 2023। 2023 का ये हमारा पहला टूर है, डिटेल सीरीज़ की वीडियो बन रही है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सोराबगोड पे और रात 12 के बाद का टाइम है, 1 बजे 1.5 बजे का टाइम है। ये सेकंड लग गई है और मौजूद है, साथ में है हमीद, ठीक है, अरमश के दोस्त हैं, रमज़ान खान एज़ यूजुअल, रमज़ान खान अरमश वीडियो बना रहे हैं, ये मैं मौजूद हूँ, गाड़ी है रेवो और आगे फिर अब आपको अरमश इसका लेटेस्ट मॉडल रेवो है ये, आप देख सकते हैं गाड़ी 2.81 GD इंजन के साथ। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी, पीछे सामान आप देखें फुल पैक्ड है प्रॉपर तरीके से, रस्सियाँ वगैरह इसको लगी हुई हैं और कवर सामान के ऊपर प्रॉपर तरीके से चढ़ा हुआ है जो कि वाटरप्रूफ है। तो मतलब अब बर्फ़ पड़े या पानी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इसको कोई इशू नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर प्रिपेयर्ड है और अंदर से भी मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। अंदर बैठेंगे जी हमीद और रमज़ान खान, पीछे मैं आगे बैठूंगा क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह बनानी होती है। सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है हमने, वाइपर वगैरह, ये गाड़ी की इंटीरियर पॉलिश गंदी हो तो भाई बंदा फ़ौरन इसको साफ़ कर ले। तकिया वगैरह थोड़ा सा, मतलब ये बीच में है, चार्जिंग वगैरह के पोर्ट्स ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, मतलब फुल गाड़ी जो है ना इक्विप्ड है। मोहम्मद रमज़ान आप खुश हैं? बिल्कुल अच्छा जी। अच्छा आगे भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं सामान वगैरह, सर्दियों में बंदा जाता है हाथ वगैरह फटते हैं तो क्रीम्स वगैरह और हैंड वॉश सैनिटाइज़र सब कुछ है, मॉस्पल है, पानी की बोतल, ये हमारे चार्जर्स, ये पूरा हमारा ट्रिप का प्लान है। और ये ओवरऑल आप देख लें गाड़ी सारी इक्विप्ड है, बाबा की टोपी है, ये दो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये गोप्रो है हमारा, ये डैश कैम है, वो गार्मिन नेविगेशन सिस्टम है, एंड्रॉयड हमारी इस रेवो में इंस्टॉल हुआ हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी फुल रेडी है और अब हम आगे के लिए निकलने लगे हैं। ये आ गया है M-Tech, लेफ्ट ले लेते हैं, ये M-Tech आ गया, M-Tech लगवा लेते हैं ताकि कहीं रश हो कुछ हो तो कम से कम उससे बचत हो सके हमारी। ये लेफ्ट वाली ये है, बंद कर दो, M-Tech बनवा के फिर आगे चलो। M-Tech बनवा लिया, अब इसका जो कागज़ है वो गाड़ी पे हम लगा रहे हैं, वो कागज़ सॉरी स्टिकर, सारे बैठे हैं अंदर और ये लग रहा है M-Tech। निकलता नहीं है कि हम जैसे दूसरी गाड़ी में इससे निकाल कर लगा ले, स्कैन होगा ना यार यहाँ पे, ये ठीक है ठीक है, बस उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ये लग गया हमारा M-Tech, ये आ गया है जी हमारा टोल, इस वक्त हो रहे हैं 14:13, 2:13। फर्स्ट टोल आ गया है हमारा जो कराची टोल प्लाजा है, यहाँ से हम लेते हैं रसीद, रसीद लेके तो फिर आगे चलते हैं। बल्कि सॉरी मैं भूल गया, हमारे पास M-Tech लगा है तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो गया, आगे चलते हैं भैया। 3:17 हो रहे हैं और 1:20 में जो है हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। ये हैदराबाद टोल प्लाजा आ गया है हमारा, यहाँ पे M-Tech हमारा जो हमने लगवाया है फ्रेश जी, इसको जो है वो ये करेगा टोटल 320 KY 2444, टोटल 320 रुपये हमने जो है वो M-Tech दिए हैं जी, 320 यहाँ पे डिडक्ट हो गए। बिल्कुल चलते हैं जी आगे। हैदराबाद पहुँचने के बाद हम जो है वो ये 7 वाला रोड ले रहे हैं, इंडस हाईवे वाला ना, लेफ्ट साइड यहाँ आगे ब्रेकर भी है, नेशनल हाईवे जो है वो काफी खराब है,
आला के पास वो बहुत खराब है और यही आप देखो धुंध है, अभी आपको दिख रही है धुंध। हाँ जी हाँ जी, ये ब्रेकर इस साइड है, इधर से नहीं है, ये देख रहे हो? याद है मुझे कि ये अमित ये देखे है, देख रहे ये है। और ये इधर होटल है एक बड़ा अच्छा, यूनिवर्सिटी के लड़के वगैरह आते हैं। जब हम जामशोरो वाले रास्ते से जा रहे हैं, राइट साइड, हाँ राइट साइड हैदराबाद है, तो ये जो है हम जामशोरो वाले रास्ते से 7 जा रहे हैं, उधर से फिर हम मोरो से थोड़ा पीछे निकलेंगे अंदर से, क्योंकि जो हाँ जी काजी अहमद निकलेंगे, क्योंकि जो ये हैदराबाद मटियारी हाला वाला रोड है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, रोड वगैरह काफ़ी कंडीशन ख़राब हुई है, जब फ्लड वगैरह आए थे ना उसमें, दैट्स व्हाई। चलते हैं इस पर आगे, फिर रोड दिखाते हैं। सामने आप देखें कैसी धुंध है, धुंध बढ़ गई है। ये हम लोग सारे जा रहे हैं, हमें सो गया है, रमजान खान निकाल रहे हैं चाय, रात के 4 बज रहे हैं इस वक्त। तो मैं देखूँ कैसा लग रहा है, सही लग रहा है तोपा, सही लग रहा है। चाय पी रहे हैं बाबा। ये कैसी लग रही है, टोपी आगे सही रहेगी, टोपी आगे सही रहेगी, आगे आगे टोपी आगे इधर रख देते हैं, जा रहे हैं हम गाजी अहमद वाले रोड पर टर्न कर गए। ये हम यहाँ तक अमरी तक आए हैं, इस पे ये लाड़काना जो रोड जाता है ना, इस पे अमरी तक इंडस हाईवे पे, वहाँ से अब हम नेशनल हाईवे के लिए टर्न कर गए। अब ये सीधा हमें जो है ना ये रोड काजी अहमद निकालेगा नेशनल हाईवे पे, दरिया में से गुजर रहे हैं, जीपीएस बता रहा है, इंडस रिवर पे से फिर इस पे नेशनल हाईवे पे जो है वो फिर हम सीधा मोरो आएगा, आगे मोरो के बाद आगे सखर आएगा, उस रोड पे चलते हैं आगे। अहमद वाला अब हम जी नेशनल हाईवे, बिल्कुल नेशनल हाईवे पे मर्ज कर जाएंगे, हाँ 3 किलोमीटर बाद काजी अहमद का सिटी आ जाएगा। ये हम एंटर हो गए, याद है कि फॉग कितनी है, फॉग है बिल्कुल, धुंध है, काजी है 3 किलोमीटर है काजी अहमद, चलते हैं अब आगे, कुछ नज़र नहीं आता, हाँ फॉग है ऐसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, आप आगे दे अच्छा कैमरे में फिर थोड़ी कम, कैमरे में काफ़ी कम लग रही है ये फॉग, ये तो वैसे ये जो है फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉग है ये, ये तो हम एस्ट्रोनॉमर के पीछे हैं जी, डबल इंडिकेटर ऑन कर दिए, डेंस फॉग है यहाँ पे, जा रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे बंदा ये है कि जल्दी तेज ट्रैवल कर सकता है, पीछे तो 40-50-60 से ऊपर की स्पीड हो ही नहीं रही थी, बहुत ज्यादा धुंध थी। और यहाँ पे जरा मोरो पे हमने स्टॉप लिया था, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गए, चाय वगैरह पी ली, साथ में हमने घर से सैंडविच बनाए थे वो खा लिए, ज़रा फ्रेश हो गए, नींद वगैरह जो आ रही थी वो ख़त्म हो गई, तो बस अब आगे चलते हैं, आपके सामने हैं, अगर कहीं फॉग वगैरह फिर मिलती है तो आपको दिखाते हैं। 7:59 यानी 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजे हम लोग ये सखर पहुंच गए, टोयोटा सखर मोटर्स आ गया जी, सखर हम लोग पहुंच गए। 2 बजे कराची से चले थे ना, कराची से 2 बजे चले थे, 2 बजे मतलब आज 6 घंटे में जो है हम पहुंच गए हैं कराची से सखर, ठीक है आराम सही से, आराम से हैं, बीच में धुंध भी काफी थी, फॉग थी, धुंध भी थी जिसकी वजह से काफी स्लो आना पड़ा, बिल्कुल। तो अब हम ये तो बस यहाँ से जो है अब जी आगे पंप लेफ्ट आएगा, को जो है सखर सिटी को रास्ता जा रहा है, शिकारपुर, हाँ
अगर हम वो उससे आते हैं ना, एक्सीडेंट हुई है इंडस हाईवे से आते तो हम इधर से निकलते सक्कर शहर में और फिर सक्कर बैराज पे से गुजर के आते। वो लंबा उसमें मैं तकरीबन घंटा ज्यादा लग जाता मुझे। वो तकरीबन आपका 90-100 किलोमीटर ज्यादा भी बन रहा था ना जी। फिर इधर से इधर ये हम आ गए हैं सक्कर, पहुंच गए हैं। इस वक्त सुबह के 8:15 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सक्कर। गाड़ी पे ज़रा मिट्टी वगैरह आई हुई है, शीशा वगैरह साफ़ हो रहा है, यहाँ से पेट्रोल रीफिल करवा रहे हैं। ये वही नेशनल हाईवे इस तरफ ही आगे जा रहा है। अब यहाँ से तो हम सक्कर मुल्तान मोटरवे पे जाएंगे और हमीद यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है। सामान वगैरह सारा सेट हो गया है हमारा, सामान तो सब सेट है, गाड़ी भी ओके है। अब देखते हैं कि बस डीज़ल कितना डलता है। ये टोटल हमारा डीजल डला है गाड़ी में कराची से सक्कर तक।